क्या रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में शॉर्ट राइडर्स के लिए इशू होता है? हर जगह तो नहीं होता, लेकिन 20% जगह पे जो है होता है, 80% जगह पे कुछ नहीं होता है। सो शॉर्ट राइडर, टॉल बाइक एंड हैवी बाइक, उसके साथ थोड़ा सा दिक्कत होता है। एक एग्जांपल आपको मैं ये वीडियो पे दिखाऊंगा। एक छोटा सा पार्किंग की जगह पे जो है कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा स्लैंट स्लोपी एरिया है, टाइट वो है, क्या बोलते हैं, जगह टाइट है, तो वो आपको दिखाऊंगा। उस पर डेफिनेटली मुझे इशू हुआ, और ऐसे कुछ जगह पे इशू होता है। लेकिन आपको बता देता हूँ, सेम जगह पे अगर मेरे पास 390 एडवेंचर होता है, इवन दो वो बाइक इससे 20 mm सीट हाइट और ज़्यादा है, स्टिल उसको निकालना ईजी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेट। तो वो एग्जांपल दिखाता हूँ, क्या इसका मतलब ये है कि KTM 390 एडवेंचर इज अ बेटर मोटरसाइकिल देन द रॉयल एनफील्ड हिमालयन? जी नहीं। हमने जो है इसके बारे में एक डिटेल सा जो है कंपेयर किया है, 390 एडवेंचर वर्सेस हिमालयन 450, जो कि 12th ऑफ दिसंबर मतलब ट्यूसडे को 9 AM आएगा। उसको डेफिनेटली देखना, क्योंकि फाइनल विनर जो है हिमालयन हो रहा है। अब क्यों हो रहा है एग्जैक्टली नैरेट किए हैं, काफ़ी लंबा वीडियो है, और तीन दोस्त मिलके किए हैं जिनका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो चुका है इन दोनों बाइक्स पे। सो डेफिनेटली देखिए, अब जो है वो मेरा जो कॉम्प्लेक्स वाला सिचुएशन है वो देख लीजिए कि कैसे मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ। देखो, मेरा चीज़ ऐसा है कि मैं कहीं से भी बाइक निकाल तो दूंगा अपने आप से, किसी की हेल्प के बिना, कोई भी ट्रिकी सिचुएशन में थोड़ा प्लान करके धीरे धीरे करके निकाल देता हूँ। लेकिन हाँ, शॉर्ट राइडर्स के लिए थोड़ा सा डेफिनेटली इशू है। अब क्या करेंगे, हमारे लिए ये थोड़ा सा लिमिटेशन है। लेकिन ये बात है कि अगर हमारे पास लिमिटेशंस हैं, हमारे स्किल्स हमको इंप्रूव करना है, वो जरूरी है। सो वीडियो देखिए, एंड डेफिनेटली KTM वर्सेस हिमालयन की जो वीडियो है उसको तो डेफिनेटली देखना है। ये वीडियो के एंड पे भी मैं शेयर कर लूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी वो लिंक शेयर कर दूंगा। खाना हो गया। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी वाला सिचुएशन है। यहाँ ऐसे है गड्ढा, तो नीचे है, और वहाँ पे कार है, एक स्कूटर है। अब देखते हैं इसको कैसे मूव करेंगे, कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। पहले तो हमें गियर में रखना पड़ेगा, हाँ, फिर क्लच पकड़ के करेंगे, नहीं तो पीछे गड्ढा है। हाँ, अच्छा, आगे ठीक है। हाँ, स्कूटर निकल रहा है, चलो अच्छा बात है। अरे नहीं निकल रहा है यार। अब मैं अपना राइट फुट जो है बिल्कुल नीचे नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि बहुत डाउन है उस तरफ, लगाता ही गिरूंगा। जो करना है इसी तरफ करना है, थोड़ा थोड़ा ये आगे पीछे करके। यस यस, यही है कॉम्प्लिकेशन जब पैर नहीं आता। ओके, थोड़ा सा और हो गई बात। भाई अभी पता चल रहा है वेट है हेवी। अरे या टिप टो। हाँ ठीक है, हो गया, फाइनली निकल गया। बट सच बताता हूँ दोस्तों, हाँ, जान निकल गया, मतलब हेवी फील करता है। ऐसे कभी कॉम्प्लिकेट जगह पे थोड़ा लेफ्ट राइट करोगे तभी पता चलेगा।